बच्चों की पेंटिंग्स देखने के लिए अंधेरी के कोहिनूर होटल आई फिल्मी और सामाजिक हस्तियां। अंधेरी ईस्ट के कोहिनूर कॉन्टिनेंटल होटल की आर्ट गैलरी में कलर ऑफ होप के टाइटल से लगाई गई एनुअल आर्ट शोकेस एंड फंड रेजर की पेंटिंग्स को फिल्मी हस्तियों, गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़े लोगों और समाज सेवकों ने बहुत पसंद किया। दरअसल इसमें लगी ज्यादातर पेंटिंग्स बच्चों ने अपने हाथों से बनाई है। उसी के साथ इसमें टीचर्स द्वारा बनाई गई कुछ पेंटिंग्स को भी जगह दी गई है। टीवी और फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री शेफाली शाह ने इन पेंटिंग्स की जमकर तारीफ की। The fact that they are expressing through paintings, it's a very big deal. और बहुत छोटे बच्चे ये कर रहे हैं तो I am not a teacher, I am not an expert at art, so I cannot judge anyone else. It's a wonderful initiative. बहुत खूबसूरत आर्ट है और ये जहाँ जो भी कलेक्शन होगा जिस कॉज के लिए यूज़ किया जाएगा वो और भी खूबसूरत है, सो इट्स रियली लवली। इस मौके पर पद्मश्री स्वर्गीय सिंधुताई सपकाल की बेटी ममता सपकाल इस एग्जीबिशन में शामिल होने के लिए पुणे से यहाँ आई थी। उन्होंने पेंटिंग्स देखने के बाद कहा कि पेंटिंग्स के विषय को समझाने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ती, ये कलर और ब्रश की मदद से पूरी कहानी बयान कर देती हैं। मुझे फाइन आर्ट्स का अगर आप टेक्निकली पूछो तो कुछ भी नहीं समझता है, लेकिन एक नज़र होती है जो आपको सही गलत समझाती है। और फाइन आर्ट्स को लेकर तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग जादूगर होते हो। हमें कुछ भी बात एक्सप्रेस अगर करनी है तो शब्दों की मदद लेनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, लेकिन आपके ब्रश और आपके कलर सब कुछ बता देते हैं, जिन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिन्हें भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती, बियॉन्ड द लैंग्वेज जो चले जाते हैं। तो आप लोग तो सच में जादूगर होते हो और वही जादू मैं यहाँ अभी देख रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस इनॉग्रेशन के लिए बुलाया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुंबई के पूर्व उप महापौर अरुण देव खास तौर से मौजूद थे। उन्होंने इन पेंटिंग्स के इस गैलरी तक पहुंचने की यात्रा की पूरी जानकारी प्रेस 9 न्यूज़ को दी। जनता कल्याण केंद्र और निर्माण प्रतिष्ठान, फिर रविंद्र जोशी मेडिकल फाउंडेशन और अलग अलग ट्रस्टों के माध्यम से हम हर साल एक ड्राइंग कंपटीशन करते हैं, ऐसे कंपटीशन करते हैं पूरे देश के बच्चों के। 2000 के ऊपर स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करते और ये साल जो हुआ था वो अपने जहाँ मैं चेयरमैन हूँ वर्सोवा वेलफेयर कॉलेज में हमने किया था। तो ये साल 80,000 से ज़्यादा लोगों ने, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ये कंपटीशन का ऐसा है कि केजी से लेकर एज रखा नहीं है हमने, यानी कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो बाद में एक कल्पना आई कि अगले साल भी कंपटीशन करेंगे, तो उसको जिन लोगों ने भाग लिया है, जिन बच्चों ने भाग लिया है, जिन टीचर्स ने किया है, उनको ठीक तरह से पब्लिसिटी मिलनी चाहिए। तो हमने एक संस्कृति प्रतिष्ठान की ओर से, उनके पास ये आर्ट गैलरी है जो कोहिनूर ने उनको प्रोवाइड की है, संदीप जी और उनकी पत्नी, वो बहुत, तो उनके माध्यम से आज हमने 8 तारीख से लेकर 8 दिन का ये एग्जीबिशन रखा है। इसकी कल्पना एक है कि ये जो पेंटिंग्स है इसका यहाँ सेल भी करेंगे और वो सेल हम किसी कॉज के लिए करेंगे। एजुकेशन और मेडिकल में हम लोगों को मदद कर पा जहाँ ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उस कॉज के लिए इसका हम सेल करेंगे। और मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। कल गुड़ी पड़वा शुरू होने वाला है तो सबको मेरी शुभेच्छा भी है। और आज के इस कार्यक्रम में संतोष केलकर जी है, जनकल्याण के चेयरमैन शेफाली जी है, बहुत बड़े एक्टर है, सूबेदार जी है, अनेक लोग आए, तो उनको सबको भी धन्यवाद करना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये पेंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और उसके कारण समाज में जो पीछे का तबका है उनको आर्थिक दृष्टि से एजुकेशन और हेल्थ में मदद हो। इस कार्यक्रम में आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत अरुण देव जी द्वारा किया गया। इस मौके पर निर्माण प्रतिष्ठान के मोहन वेद पाठक, V1 इवेंट्स के गुरु चरण सिंह संधू, द गोल्डन डियर की संस्थापक प्रिया के अलावा कई नामी ग्रामी हस्तियां मौजूद थीं। ये एग्जीबिशन
8 अप्रैल से शुरू होकर आगामी 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।